हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज पायल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, देन बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में। तो हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या कहा गया है। In given figure, if x plus y equal to w plus z, that show the angle OB in a line. Means, अगर हमारा x plus y equal to wz, मतलब w plus z के है, और तो वही आंसर हमारा क्या होगा, ऑनलाइन OB का होगा। तो हमारे पास फिगर क्या है, ये देखिए। ओके, हमारे पास फिगर दिया गया। अब इस क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल टू, ये सारों का सम कितना होगा, 360। ओके, सारे एंगल का सम कितना होगा, 360। अब देखिए इसने इक्वल टू कहा था, मींस x प्लस में y इक्वल टू w प्लस में z, ये इसके इक्वल है। ओके, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक ही मान लेंगे, मींस x प्लस y प्लस x प्लस y इक्वल टू 360। टू बार हो गया, तो टू ब्रैकेट x प्लस y कर देंगे, इक्वल टू में 360 कर देंगे। यहाँ तक हो गया। अब x y एक बार ही रह जाएगा, इक्वल टू में ये किस में, इसमें मल्टीप्लाई में, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में। टू से इसको कट करेंगे कितना आएगा, 118। टू की टेबल 118 पे कितना था, 360। x प्लस y किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। x प्लस y ये वाला एंगल किसके इक्वल हो गया, 180 डिग्री के। तो इसमें एंगल कौन सा निकालना था, ए ओ बी निकालना था। तो एंगल ए ओ बी कितना होगा, किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, जो हमको निकालना था। तो यही आंसर आ जाएगा, एंगल ए ओ बी इक्वल टू किसके हो जाएगा, 180 डिग्री के, हमें क्वेश्चन में पूछा था ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये थे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4। थैंक्स।